व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ए के ए फैब बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप जानते हैं प्ले स्टेशन 5 ने जब शोकेस किया था उसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव गेम के बारे में भी हमें बताया था कि आपको प्ले स्टेशन 5 पे खेलने को मिल सकते हैं, एक्सक्लूसिव हैं जो प्ले स्टेशन के। तो दोस्तों, इसको लेके बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्या ये गेम PS4 में मुझे खेलने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो प्ले स्टेशन ने यहाँ पर अभी ऑफिशियली ट्वीट करके बताया है कि जो गेम हम सिर्फ PS5 के लिए लॉन्च करने वाले थे वो हम अब PlayStation 4 के लिए भी लॉन्च करेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि गेम मेकिंग की कॉस्ट कितनी हाई होती है, और अगर वो गेम सिर्फ PS5 पे लॉन्च करेंगे तो उसका रेवेन्यू उतना नहीं निकाल पाएंगे जितना कि उसको बनाने में लगा था। तो इसलिए PlayStation ने ये किया है कि वो कुछ गेम्स जो PlayStation 5 पे एक्सक्लूसिव आने वाले थे उसको PS4 के लिए भी लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे लिए एक और अच्छी बात है कि अगर आप PS4 के अभी करंट यूज़र हैं और आपने अभी ये PlayStation 5 पे जो एक्सक्लूसिव गेम आने वाली थी जो PlayStation 4 के लिए भी लॉन्च होगी वो खरीद रखी है और आप आगे जाके अपग्रेड करते हैं उसको PS5 पे, तो वो गेम आपकी PS5 में भी चलेगी। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस CD को अपडेट करना है और वो PS5 में भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी जैसे कि नॉर्मल PS5 की CD में चलता है ये। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो गेम आपको PlayStation 5 के साथ ही साथ PS4 में भी खेलने को मिलेगी। तो वो गेम में से एक गेम है स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस और दूसरी गेम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। इसी के साथ हमें सैकमैन भी PlayStation 4 में खेलने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन CDs की प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं PlayStation 5 पे लॉन्च होने वाला, तो इसलिए जितनी प्राइस इसकी PlayStation 5 की CD की रहेगी उतनी ही PlayStation 4 की CD के लिए भी रहने वाली है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ भी, आप इसको अपग्रेड करके इसी CD से PlayStation 5 पे भी खेल सकते हैं। और इसी के साथ हमारे लिए एक बैड न्यूज़ भी है कि जैसा कि आप जानते हैं गॉड ऑफ वॉर 4 की अगली सीरीज जो आ रही है जिसका नाम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, वो हमें शायद PlayStation 4 पे नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो PS5 एक्सक्लूसिव है और उसको अभी सोनी ने कोई खासा उस पर कुछ बताया नहीं कि वो PlayStation 4 पे रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, और मेरे ख्याल से तो नहीं होगी क्योंकि वो PlayStation 5 पे ही लॉन्च होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक बहुत अच्छा गेम होने वाला है और हमें उसमें शायद थॉर और क्रेटोस की फाइट देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ, आपने अगर ध्यान दिया और मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का अगर लोगो देखा हो जो कि आइस से बना हुआ है, तो उसमें आपको नीचे एक वर्ल्ड सर्पेंट दिखेगा जो हमें गॉड ऑफ वॉर 4 में देखने को मिल सकता है। और उसके हिसाब से कि लास्ट में वर्ल्ड सर्पेंट और क्रेटोस साथ मिल जाएंगे थॉर से फाइट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं गॉड ऑफ वॉर 4 में जब अट्रेयस और क्रेटोस फ्रे की अस्थियों को वो पहाड़ से फेंक के आते हैं, मिडगार्ड में आते से ही फिम्बल विंटर स्टार्ट हो जाते हैं जो कि रैग्नारोक की स्टार्टिंग है, क्योंकि फिम्बल विंटर एक ऐसी विंटर है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और इसके बाद दुनिया का अंत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थॉर के कैरेक्टर के बारे में जो कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में नया कैरेक्टर रिवील हो रहा है। तो थॉर का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत क्रूअल गॉड का रहेगा। जैसा आप जानते हैं नॉर्स माइथोलॉजी में, वो आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स और इन सब थॉर के अलग अलग पार्ट्स में, कि वो कितना मतलब कूल रहता है, फंकी रहता है और मतलब मदद करता है लोगों की, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करता और उसका फ्रेंडली नेचर रहता है। तो नॉर्स माइथोलॉजी की स्टडी से हमें पता चलता है थॉर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी क्रूअल है और वो किसी पे रहम नहीं करता, और वो उसने जो है सिर्फ ट्रस्ट तोड़ने की वजह से एक आदमी की पूरी फैमिली को मार दिया था। और उसकी एंट्री शायद ऐसी हो सकती कि आते से ही क्रेटोस के मुँह पर हथौड़ा मारे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सोच बदलो, देश अपने आप बदल जाएगा। टिल देन, बाय।